इनका सवाल है दूसरा, SBI 518 पे खरीदा है। 5 साल के लिए इनका सवाल है, बिल्कुल लेना चाहिए 5 साल के लिए, लेकिन लेना चाहिए कहां पर, 450-500 के आसपास, ये एक जोन है सपोर्ट मिलने के। मुझे लगता है जो कल का लो है या परसों का लो है, रिसेंट लो हमने 500 देखा है, वो अच्छा लो है, शायद सस्टेन करेगा। पर कल भी मुझे लगा था कि आपको मिलेगा और आज कल का 2 बजे के शो में दिया था और आज उसका प्रॉफिट भी मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल का अगर नजरिया है तो आप इस पर SIP कीजिए, मुनाफा तो होगा। और तीसरा है लास्ट क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन 1302 पे लिया, इसमें भी 5 साल रुकेंगे। टाटा कम्युनिकेशन का मैं चार्ट निकाल देता हूँ, टाटा कम्युनिकेशन पे यहाँ पर साइडवेज जोन है, वीकनेस है, 5 साल के लिए लेना है तो मैं लूंगा आप बायर डायनेमिक ले लीजिए। टाटा कम्युनिकेशन तो उसका मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस दिखेगी, इसलिए इंस्टेड ऑफ टाटा कम्युनिकेशन आप BDL में डाल दीजिएगा या फिर HAL में डाल दीजिएगा। ओके, तो ये थी मनमत जी आपके तीनों सवालों पर राय। और अगला सवाल है डॉक्टर अभय गोयल का देहरादून से। गोयल साहब बताइए क्या सवाल। डॉक्टर गोयल हेलो जी, डॉक्टर साहब बताइए, सवाल बताइए। आवाज आ रही है? अच्छा, EKI इंडस्ट्रीज 778 पे लिया है 200। गवर सर चार्ट देखिए, EKI एनर्जी। EKI एनर्जी हाँ, कितने मिले इन्होंने? 778 पे खरीदा इन्होंने। एक्चुअली मैं होता तो निकल जाता, ये स्टॉक सर्किट ऑन द वे डाउन, सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन, जब चाहिए तो मिलेगा नहीं, जब बेचना चाहे तो बिकेगा नहीं, स्टॉक होना क्यों, निकल जाना चाहिए। और ये स्टॉक का नाम मैंने पहली बार सुना, आई थिंक मुझे फैंसी नहीं लगता, निकल मैं होता तो निकल जाता। एग्जिट की राय है EKI एनर्जी में। गावा सर दो स्टॉक है, ITC और इंडियन होटल्स, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए ITC और इंडियन होटल बहुत ही अच्छा है। ITC का चार्ट देखा जाए तो 325-350 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, होल्ड करना चाहिए, बाय एंड होल्ड। टिप्स मिलती है तो ऐड कीजिए। इंडियन होटल बिल्कुल वैसा ही स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द होटल इंडस्ट्रीज, तो इसमें अगर डिप्स मिलती है तो लेना चाहिए। यहाँ का भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक सपोर्ट 300-295 के करीब है, कंसोलिडेशन मोड में लेना चाहिए और 2-3 साल भूल जाना चाहिए। यस, इंडियन होटल। ओके, राकेश कुमार जी नागपुर से जुड़ रहे हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल। वाजपेयी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए जी। प्रश्न ऐसा था कि मेरे पास 73 के भाव के 35,000 इंडियन ऑयल लिए थे सितंबर में। ओके, अपन इसलिए लिया था कि भाई जो उसको लो क्रूड जो सस्ता मिल रहा है उसको, उसके कारण बेनिफिट होगा, बहुत सारा फायदा होगा, मुनाफा आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। और जो अभी 30,000 करोड़ जो सरकार ने दिए उसमें से मान लो 15,000 करोड़ मिलेगा इंडियन ऑयल को, तो उसका कुछ आगे बेनिफिट अगले 6 महीना साल भर में इंडियन ऑयल 95-110 के आसपास जा सकता है, कोई चांसेस लगते हैं? ओके, लंबे समय का आउटलुक चाहिए। आप लंबे समय के लिए रुकने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, कोई प्रश्न नहीं है साहब। ठीक गावा सर, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अभी इनके भाव से 4 रुपए ऊपर है, क्वांटिटी इन्होंने ठीक ठाक लिए है, 35,000 शेयर खरीद रखे हैं, बताइए क्या राय बनती 2-3 साल के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, ऑयल कंट्रोल का प्राइस, ऑयल प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, टैक्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं, दिक्कत हो जाती है, प्राइस कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इंट्राडे के लिए मैं यूज करता हूँ इंडियन ऑयल के, लेकिन इंडियन ऑयल इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रेटली मैं नहीं लेता, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सपोर्ट है लोअर लेवल में 70-75-70 के आसपास, फिर 95-100 के आसपास जब भी पहुंचे वहां पर एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके राकेश जी, ये गाबा सके टेक्निकल चार्ट है कि 90 के आसपास जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, आपको प्रॉफिट होगा भी, लेकिन आपको याद होगा कि आप जो ने जो आंकड़ा बताया कि सब्सिडी इनको दी गई वापस, तो मेरी जानकारी के हिसाब से इस वक्त इनके किसी भी प्रोडक्ट पे अंडर रिकवरी नहीं है। रीज़न इसका ये है कि क्रूड स्टेबल है और सरकार ने इनको प्राइस घटाने के लिए मजबूर नहीं किया है, तो प्राइस स्टेबल है, उसकी वजह से पेट्रोल में तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, LPG की सब सरकार ने दी थी और डीजल की ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, तो अब इनके पास जो प्रेशर आप देख रहे होंगे वो एक तो ओवरऑल मार्केट का प्रेशर है, दूसरा ये जो लगातार कैपेक्स करते रहते हैं उसका दबाव होता है, तो मुझे लगता है कि ये प्राइस जिस पर आपने एंट्री ली है वो बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटली कोई ऐसी बुरी खबर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एज ऑन डेट नहीं है, खासतौर पर IOC के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो इनका कोई OFS आना है, ना इनका कोई डाइवेस्टमेंट होना है, इनका सिर्फ एक्सपेंशन ही होना है, तो अगर मार्केट सुधरता है तो ऑयल कंपनीज के लिए ये अच्छी खबर होगी, तो एंट्री पॉइंट सही है। बाकी टेक्निकली जैसे गावा जी ने बताया कि आप 90 के आसपास प्रॉफिट ले सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन
जिस प्राइस पे आपने लिया वो रॉक बॉटम प्राइस है, ये अच्छा ट्रेड आपका एक बन सकता है आगे जाते हुए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।